తెలంగాణ శాసన మండలిలో కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. సంవత్సరాల కిందనే పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ బిల్ పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది పార్లమెంట్లో. దాని ద్వారా ఇటువంటి ఉన్నత విద్యను పొందడానికి డిసేబుల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి 5% తప్పకుండా రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మనం చట్టం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ 5% రిజర్వేషన్ నల్సార్లు అప్లికబుల్ అవుతుందా కాదా, పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీస్ ఈజీగా చదువుకునేటటువంటిది, పైగా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి వారికి 5% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారా లేదా, ఈ రెండు అంశాల పట్ల దయచేసి గౌరవ మంత్రివర్యులు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నా. జీవన్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, అంటే వాస్తవంగా బిల్ ఏదైతుందో అంటే సమర్థించే విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకొద్దిగా మార్పు ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నా అధ్యక్ష. అంటే దయచేసి ప్లీజ్ చెప్పండి. నేను ఎందుకంటున్నాను అంటే వాస్తవంగా చట్టాన్ని రూపొందించినప్పుడే అప్పుడు 1998లో ఎప్పుడైతే 20% రిజర్వేషన్ ఫర్ లోకల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో, నేను గమనించిన వరకు ది ఎంటైర్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ 20% ఈజ్ ఇండికేటెడ్ ఫర్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్. అదర్ దాన్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఏదైతుందో లోకల్ రిజర్వేషన్ అనే అటువంటి అప్లికేబిలిటీ ఇందులో ఉన్నదా అనేది నాకు వచ్చిన సంశయం అని చెప్పంటున్నాను. ఇవాళ మన ప్రభుత్వం రూపొందించింది ఏంటి అని అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బీజేపీ నాయకులు రాజా సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. క్యూంకి అగర్ హమ్ ఓల్డ్ సిటీ మే అగర్ కోయి ఆటో లెకే జాయెంగే యా కోయి గాడీ లెకర్ జాయెంగే तो वहाँ पर रोड ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी गाड़ी डैमेज हो सकती है, ऐसा एक फीलिंग उनमें है अध्यक्ष. उसी प्रकार से अध्यक्ष मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि आज न्यू सिटी एवं ओल्ड सिटी का रेवेन्यू कितना आता है अध्यक्ष, क्या उसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट के प्रति विचार करते हैं, या ओल्ड सिटी के लिए अलग बजट और न्यू सिटी के लिए अलग बजट क्या उस प्रकार से हम सोचते हैं, वो भी आज सरकार को बताने की आवश्यकता है अध्यक्षा. आज न्यू सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है अध्यक्षा. ओल्ड सिटी से कई सारे ऐसे नौजवान न्यू सिटी में काम करने के लिए जाते हैं अध्यक्षा, और उनको आने और जाने में बहुत सारा समय बीत जाता है अध्यक्षा. इसलिए मेट्रो बहुत ही ज़रूरी है अध्यक्षा. अगर हम न्यू सिटी टू ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी टू न्यू सिटी अगर पूरा हम मेट्रो अगर लिंक देंगे तो इन नौजवानों के लिए एक तो टाइम बचेगा और एक तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे अध्यक्षा. उसी प्रकार से अध्यक्षा कई ऐसे नौजवान हैं जिनको रोज़गार तो बहुत ही ज़रूरी है, मजबूरन वो लोग न्यू सिटी में जहाँ जहाँ पर किराए का मकान मिल सकता है वहाँ पर जाकर रह के वो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं अध्यक्षा, जिनके कारण यानी किराया बनने में ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चले जाता है, वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर सकता अध्यक्षा. ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल ये है रीज़न है अध्यक्षा. उसी प्रकार से अध्यक्षा अगर हम ओल्ड सिटी की अगर विकास की बात करें तो बिना उस्मानिया के वो सब्जेक्ट पूर्ण नहीं होता. यही विधानसभा में कई बार उस्मानिया के प्रति चर्चा हुई, आपके मित्र जो MIM के लोग हैं वो लोग भी कई बार उस्मानिया को लेकर बात करे. मेरी विधानसभा में उस्मानिया अध्यक्षा, मुझे अच्छा याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा दिल लगकर उस्मानिया आए थे कि हम 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल उस्मानिया हम बनाएंगे. सर उस्मानिया बहुत ज़रूरी है. अगर ओल्ड सिटी की अगर हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस्मानिया डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है अध्यक्षा. क्योंकि अगर कोई पैसे वाले अगर किसी व्यक्ति को न्यू सिटी या कहीं भी किसी को व्यक्ति को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन ओल्ड सिटी के अगर कोई गरीब वर्ग के कोई व्यक्ति को और कुछ प्रॉब्लम आता है उस्मानिया के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अध्यक्षा. वहाँ पर बेड्स की कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर हाल ही में हेलमेट लगाकर भी ट्रीटमेंट करे अध्यक्षा. वहाँ पर अगर बरसात आई तो उस्मानिया के अंदर पानी चले जाता है, यानी पहले को आपको बहुत अंतर है अध्यक्षा. पहले तो कम आबादी थी, नाले नाले ईजिली रोड से इधर से उधर पानी चले जाता था, लेकिन अब आबादी बढ़ गई, नाले वाले सब कब्जा हो गए तो इसलिए पानी भी पूरा अंदर आ जा रहा है. तो मैं अध्यक्षा इस विधानसभा के माध्यम से और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस्मानिया के डेवलपमेंट के प्रति हाल ही में पहले कौन से पार्टी के लोग ऑब्जेक्शन करें मुझे पता नहीं, लेकिन लोकल विधायक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस्मानिया का डेवलपमेंट हो, एक मॉडल उस्मानिया बने,
जो मुख्यमंत्री का जो वादा था 200 करोड़ रुपए की लागत से या 300 करोड़ की लागत से उस माने हम डेवलपमेंट करेंगे, वो अगर वादा निभाएंगे तो कई गरीब लोगों को, कई ओल्ड सिटी के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अध्यक्षा, आज ओल्ड सिटी में अगर हम विकास का सोचेंगे, जैसे हरिताहारम के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ओल्ड सिटी में भी तो बहुत ज़रूरी है अध्यक्षा हरिताहारम। क्या वहाँ पर झाड़ हम नहीं लगा सकते? लेकिन दुर्भाग्य है झाड़ लगाने के लिए प्लेस नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कब्जों का सबसे बड़ा अड्डा हमारा ओल्ड सिटी बन चुका है अध्यक्ष। वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड कब्जा, इंडोमेंट लैंड कब्जा और तालाब कब्जे, मूसी नदी के उस साइड और इस साइड भी अध्यक्षा इनलीगल पट्टे बनाकर अध्यक्षा वो भी कब्जा हो जा रहे अध्यक्षा। मैं हमारे